जी सामकम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर विच इज़ कलरफुल एनिमल्स एनिमल्स में ऑब्वियसली एनिमल्स भी होंगे रेप्टाइल्स भी होंगे परिंदे भी होंगे मछलियाँ भी होंगी लेकिन जनरल एक स्टार्ट हम करते हैं कलरफुल एनिमल्स का कि इनमें कलर्स कहाँ से आता है क्यों होता है कल कलरेशन इन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ़ एनिमल इज़ स्टार्टिंगली ब्यूटिफुल ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी रंग होते हैं परिंदों मछलियों में वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं तेज़ ब्राइट और ब्यूटिफुल होते हैं एंड इट ग्रेट ग्रेटली हेल्प्स अस आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पीशीज फ्राम रेस्ट ऑफ द स्पीशी फैमिली और समझिए कि विद इन मतलब ये तो हमें पता है कि तोता ग्रीन होता है और कोयल का रंग क्या होता है और सारस का रंग क्या होता है लेकिन विदिन द तोता फैमिली आप कह लो कि पैरट फैमिली के अंदर भी जो सब स्पीशीज़ भी होती हैं उनको भी हम कैसे फ़र्क बताते हैं उनका एक तो चरण ठीक है उसकी चोंच उसका साइज़ इन चीज़ों के साइज़ से भी फर्क पता चलता है लेकिन बहुत सी जो सब स्पीशीज़ भी होती हैं उनका भी अब फ़र्क जो है हम इंसान कम अज़ कम सिर्फ रंग की वजह से बता सकते हैं ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि कैटेगरीज़ में आप रंग की वजह से परिंदों को बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं टू अस ह्यूमंस कलर सीम्स टू बी ओनली अ मैटर ऑफ डिफ्रेंशिएशन और आइडेंटिटी वही बात कि हम देख रहे हैं परिंदों को परिंदों को जो रंग दिए हुए अल्लाह ने उसके कुछ और मकासद दिए हैं लेकिन हम जो इंसान हैं हमें तो यही लगता है कि जो रंग होता है वो फ़र्क करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है परिंदों को बट द मैटर ऑफ कलर इज़ नॉट सिंपल इन इन एनिमल किंगडम मतलब वही बात कि ये इतना सादा नहीं है क्योंकि अलामामिया की जो चीज़ें हमें समझ आती हैं जितनी हमें समझ आती है वो आमतौर पर थोड़ी सी सिंपलिस्टिक होती है जैसे जैसे आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो पूरा पीछे सिस्टम एक चल रहा है जिसकी हमें समझ नहीं थी जब तक हम इल्म नहीं लेंगे तो इसीलिए ये जो कलर का मामला है ये एनिमल किंगडम में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मसला है कम अज कम इतना सिंपल नहीं है द रीजन एंड सिस्टम्स फॉर कलरफुल सर्फिस ऑफ एनिमल्स बॉडी नीड्स टू बी अंडरस्टूड विद अ बिट मोर अटेंशन यही हम देखते हैं अगले आई थिंक कोई दस बारह जो लेक्चर्स और टॉक्स हैं उसमें हम देखते हैं कि ये आखिर रंगों के फ़र्क फर्क होने के पीछे आ, क्या होता है क्या, रंग क्या रोल प्ले करते हैं थैंक यू